हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y0 2T एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ये पेज आपका ओपन होगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का। इसमें आपको नीचे की साइड ना तीन ऑप्शन मिलते हैं, तीन में से आपको ऊपर की साइड के दो ऑप्शन आपको यूज करने हैं चेंज करके। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन कैसे काम करते हैं, डॉट और ये नंबर, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसे चेंज करके यूज कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपका डॉट पे ये सामने वाले सर्कल पे अगर आपका टिकमार्क लगा रहता है तो ये सेटिंग डॉट पे टिकमार्क लगा रहने से कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा ना, तो जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन होगा उस ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पर ये फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आया, ठीक है, फेसबुक के ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इस ऐप का नोटिफिकेशन आपको आ रखा है। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है डॉट पर टिकमार्क लगा के रहने से ऐसे काम करती है। और अगर आप इसे चेंज करके नंबर पर सेलेक्ट करेंगे, नंबर पर टिकमार्क लगा लेंगे, तो नंबर पर टिकमार्क लगा के रहने से कैसे काम करती है, मान लीजिए आपके मोबाइल फोन पर 10 नोटिफिकेशन आए, 10 नोटिफिकेशन आपके लेकिन फेसबुक के आए हैं। ठीक है, मान लीजिए फेसबुक के 10 नोटिफिकेशन आए हैं, तो फेसबुक के ऐप के ऊपर आपको एक डॉट लगा हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन उस डॉट के अंदर आपको 10 लिखा हुआ दिखाई देगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके फेसबुक के ऐप के आपको 10 नोटिफिकेशन आ रखे हैं। यह सेटिंग जो है ना आपके सभी ऐप्स के ऊपर काम करेगी। देखिए यहां पर यह लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखिए इस वाले ऐप्स के ऊपर 6-6 लिखा हुआ है और एक डॉट लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको यह हर ऐप के ऊपर दिखाई देगा। जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उस ऐप के ऊपर आपको डॉट लगा हुआ दिखाई देगा और एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेटिंग मैंने आपको बता दी है दोनों ये ऑप्शन कैसे काम करते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,